नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, सलमान खान के ऊपर पिछले कुछ समय से काफी गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अब सलमान खान के ऊपर बच्चों को किडनैप करने और बच्चों को मारने पीटने का अपने फार्म हाउस में ले जाकर इस तरह का गंभीर आरोप लगा है। कैसे सलमान खान पर यह आरोप लगा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान उनके पनवेल फार्म हाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल सलमान खान का कहना है कि केतन द्वारा उनके बारे में शेयर किया गया वीडियो ना सिर्फ मान हानिकारक है बल्कि सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाला भी है। आपको बता दें कि सलमान खान के वकील ने बताया है कि वीडियो में केतन ने सलमान खान की तुलना बाबर और औरंगजेब से की है। दरअसल सलमान खान ने सेशन कोर्ट के मार्च 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए ये अपील दायर की है। अगर बात करें पूरा मामला क्या है, तो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सी वी वडांग की एकल पीठ खान की एक अपील पर सुनवाई कर रही है। वहीं सलमान ने एक दीवानी अदालत के मार्च 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए ये अपील दायर की है। दरअसल दीवानी अदालत ने केतन कक्कड़ के खिलाफ अभिनेता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में उन्हें राहत देने से इनकार किया है। आपको बता दें, केतन कक्कड़ के खिलाफ दायर मुकदमा उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया एक वीडियो से जुड़ा है, जो सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में खान की अवैध गतिविधियों के बारे में है। इसी मामले में सलमान खान ने अदालत से केतन कक्कड़ को मानहानिकारक वीडियो हटाने और आगे इस तरह की टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ जब दीवानी अदालत ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, तब सलमान ने उच्च न्यायालय का रुख किया है। आपको बता दें, सलमान के पड़ोसी ने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, सलमान ने कई सारे लोगों को मारकर अपने फार्म हाउस में दफनाया है, साथ ही बच्चों को भी वो मारते पीटते हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।